हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पाठ 18, कोई अमर नहीं। भगवान, मेरा बेटा पेड़ से गिरकर मर गया है, मुझ पर दया कर उसे जीवित कर दीजिए। बहन, इस संसार में सभी मरने वाले हैं, कोई अमर नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, मेरे बेटे को जीवित कीजिए प्रभु। मेरी बात मानो बहन, प्रत्येक जीवधारी को एक न एक दिन मरना पड़ता है, यही प्रकृति का नियम है। भगवान, मैं आपका उद्देश्य सुनने नहीं आई हूँ, मुझे तो अपना बेटा चाहिए बस। अच्छा ठीक है, किसी घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ, मैं बच्चे को जीवित कर दूंगा। लेकिन लेकिन क्या प्रभु, सरसों उसी घर से लाना जिसमें कभी कोई मरा नहीं हो। यहाँ यह कोई बात मैं अभी ले आई। भैया, एक मुट्ठी सरसों चाहिए, किंतु आपके यहाँ कभी कोई मरा तो नहीं है? यह मत पूछो बहन, कुछ ही दिनों पहले तो पिताजी गुजरे हैं और अब माँ का भी रोगग्रस्त है। कोई बात नहीं भैया, मैं कहीं और देखती हूँ। मेरे घर में तो दादा दादी माता पिता सब गुजर चुके हैं। क्या कहा, कोई मरा नहीं है? चार चार जवान बेटों की लाशें देखी है। हे भगवान, अब क्या करूं? आज तो 2 दिन हो गए हैं, परंतु मुझे मगध राज्य में एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां मौत ना हुई हो। चलो महात्मा बुद्ध के पास ही। भगवान, मैं हार गई और यह भी समझ गई कि मृत्यु से अछूत कोई परिवार नहीं है। बहन, इसलिए तो मैंने तुम्हें भेजा था कि सच्चाई का ज्ञान हो जाए। अब सोच सविचार करो और अपने बेटे का अंतिम संस्कार करो। थैंक यू।